पुष्कर मॉम आप यहाँ लॉन में क्या कर रही हैं? अरे मैं तुझे ढूंढ रही थी। आइए बैठ के बात करें। चलो कहिए मॉम, आप मुझे ढूंढ रही थी? पुष्कर मैं देख रही हूँ कि विदिता के यहाँ से कुछ ज्यादा खुशी नहीं हुई तुझे। बेटा इधर आओ, तुझे पता है ना तेरी ये खामोशी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये तेरी जिंदगी का फैसला है, जो भी बात है साफ साफ बताओ ना बेटा। कुछ खास बात नहीं है, बस मैं इस रिश्ते को लेकर श्योर नहीं। सब कुछ इतना जल्दबाजी में हो रहा है कि कुछ समझ नहीं पा रहा। पुष्कर तुमने विदिता को देखा ना, जाने अनजाने में उसके साथ कुछ टाइम बिताया, क्या तुझे एक पल के लिए भी लगा कि ये लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है? नहीं मॉम ऐसी बात नहीं है, पर मैंने सोचा था कि शादी से पहले हम मिलेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, थोड़ा जानेंगे, लेकिन अब दोनों तरफ से हाँ हो गई है तो अजीब सी कश्मकश में फंस गया। देख पुष्कर मैं तेरी माँ हूँ, मैं तुझे अच्छी तरह जानती हूँ, मुझे भरोसा था कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए सही रहोगे, इसीलिए तो ये रिश्ता भेजा था। पर मेरे लिए मेरे बेटे की खुशी सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। अगर तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो तो मैं उनको फोन करके ना कह दूंगी। नहीं मॉम, मैं रिश्ते के लिए ना नहीं कह रहा, मैं बस सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम और चाहता हूँ। आज तक मैंने तेरे लिए जो भी फैसले लिए तुमने उन्हें आंख बंद करके स्वीकार किया, लेकिन आज तुम पहली बार मेरे फैसले पर सोच विचार कर रहे हो। मुझे लगता है कि अब यह फैसला तुम्हें मॉम आज कह दिया, आइंदा मत कहिएगा प्लीज। मैं खुद से ज्यादा आप पर भरोसा करता हूँ मॉम, एक बार को मैं गलत हो सकता हूँ, आप नहीं। पुष्कर अगर इतना भरोसा है तो फिर ये उलझन कैसे? सोच समझ कर लिया हुआ हर फैसला सही हो यह जरूरी नहीं, वैसे ही जल्दबाजी में लिया हुआ हर फैसला गलत भी नहीं हो सकता। ओके माय मदर इंडिया, अब कोई उलझन नहीं और कोई डाउट नहीं। बस ऐसे ही खुशी देखना चाहती हूँ तुम्हारे चेहरे में। चलो आप चलिए, मैं आता हूँ।